प्रदेश सरकार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे बेमानी साबित हो रहे हैं। ताज़ा मामला हरदोई का है, जहां से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती हुई एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल हरदोई के बर्न वार्ड में भर्ती एक महिला को गंभीर हालत में लखनऊ के लिए रेफर किया गया था, लेकिन पीड़ित को ले जाने के लिए अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस तो दूर एक स्ट्रेचर भी नहीं मिला, जिसके बाद परेशान भाई अपनी बहन को गोद में उठाकर अस्पताल के बाहर ले गया और फिर वहां से किसी तरह प्राइवेट गाड़ी से लखनऊ लेकर गया। हमारी सगी बहन है, क्या हुआ था? आग लग गई थी छप्पर में, आग लगी, ये अंदर पड़ गई, बानोई बुझाने चले, बानोई भी चले, हमारी बहन भी चली। अस्पताल कर दिया, अभी कहा बानोई वहाँ पीछे बड़े वाले वो पर्चा ले रहे हैं। अस्पताल कर्मियों ने क्या वाहन लेने गए हमारे बानोई? नहीं, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया भाई। क्या कहा? हम कहने लगे तुम अपना वाहन करो ले जाओ। तो तुम कंधे पे इलाज के लिए आए और क्या? दूसरी ओर अपने ही कर्मचारियों और डॉक्टर की लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। मेरे संज्ञान में जो है, जितना अभी तक आया है, ये मामला जिला अस्पताल हरदोई का है और जिला अस्पताल एक सेपरेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। वहाँ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी होते हैं, जो अस्पताल की व्यवस्था के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फिर भी जब मेरे संज्ञान में मामला आया है तो मैं इसकी जाँच कराऊँगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। हालांकि अस्पताल प्रशासन मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। पंजाब के सिरी टीवी के लिए हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट।